हमीरपुर में बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए उपायुक्त हमीरपुर देवश्वेता बनिक ने बताया कि मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में कोविड पॉजिटिव मरीजों को हर तरह की सुविधा मिले इसके लिए मेडिकल कॉलेज में डेडिकेटेड कोविड वार्ड तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि कोविड पॉजिटिव मरीजों की देखभाल में कोई कमी ना रह सके। उन्होंने बताया कि 15 समर्पित कोविड वार्ड से कोविड मरीजों को ऑक्सीजन की सप्लाई के साथ पूरी सुविधा मिल सकेगी। उपायुक्त ने बताया कि हमीरपुर जिला में आयुर्वेदिक अस्पताल में भी कोविड केयर सेंटर बनाए गए हैं और मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए इसकी क्षमता को भी बढ़ाया गया है ताकि आने वाले समय में ज्यादा मरीजों के आने पर समस्या का सामना न करना पड़े। उन्होंने बताया कि आयुर्वेदिक अस्पताल में उन मरीजों की भी रहने की व्यवस्था की गई है जो घरों में आइसोलेट नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि प्रशासन मरीजों के देखभाल के लिए पूरी तरह से सतर्कता बरतते हुए ऐसे मरीजों के लिए काम करने में प्रतिबद्ध है। संक्रमित व्यक्ति अगर वो ठीक है, अदरवाइज बहुत ज़्यादा कोई मेजर सिम्टम्स नहीं है, तो वो होम आइसोलेशन में ही रखे जा रहे हैं। तो हम लार्जली हमारे ज़्यादातर पेशेंट्स अभी भी होम आइसोलेशन में हैं और ज़्यादातर जो हैं पेशेंट्स वो स्वास्थ्य उनका लगभग ठीक है, उनकी डेली मॉनिटरिंग की जा रही है। जहाँ भी जो है थोड़ी भी कहीं शिकायत आ रही है कि कहीं ऑक्सीजन का सैचुरेशन कम हो रहा है या बुखार ज़्यादा बढ़ रहा है या कोई भी इस तरह के जो स्वास्थ्य डिपार्टमेंट ने मानक बनाए हुए हैं उनमें अगर कोई भी थोड़ा गंभीर पाया जाता है तो उसको तुरंत जो है डिस्ट्रिक्ट कोविड हेल्थ सेंटर जो है हमारा न्यू आयुर्वेदा बिल्डिंग में हमने बनाया हुआ है वहाँ पर उनको शिफ्ट किया जा रहा है। उसकी कैपेसिटी हमने 45 की रखी थी, अब क्योंकि केसेस और बढ़ रहे हैं तो हमने और एडिशनल उसी के आसपास जो है ओल्ड बिल्डिंग में भी थोड़ी संख्या जो है वो बढ़ाई है बेड्स की। हम आगे के दिनों में जो है अगले 10 से 15 दिनों में मेडिकल कॉलेज के कैंपस के अंदर ही 15 बेडेड जो है डेडिकेटेड कोविड वार्ड जो है वो शुरू करने जा रहे हैं जिसमें इंटरनल ऑक्सीजन सप्लाई से वो जो है इक्विप्ड होंगी ताकि ऑक्सीजन सप्लाई में कहीं भी कोई दिक्कत ना आए। और मेडिकल कॉलेज को भी निर्देश दिए गए हैं कि इस तरह की इमीडिएट जो भी ऑक्सीजन सप्लाई के प्रबंध हैं वैसे तो अभी एडिक्वेट हैं, कहीं शॉर्टेज जो है वो रिपोर्टेड नहीं है, फिर भी आगे क्या के सिचुएशन के मद्देनज़र जो है जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो इमीडिएटली उनको पूरा कर रहे हैं।